गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे हों और आगे भी अच्छे रहें। तो आज का टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है कि लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन में जो भी आपका एक डिवाइस है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी ही चाहिए। ठीक है, तो लाइक देखो, जो पहली स्पेसिफिकेशन वो तो है द सिस्टम शुड सर्व एन एरिया एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो कवर करे, है ना। दूसरी बात, उसकी कॉस्ट बहुत कम हो। तीसरी बात, जो वॉइस की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। लाइक किसी के डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो सब बहुत जल्दी से उसकी क्वालिटी को ठीक कर दें और लाइक उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर दें। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ ड्रॉप कॉल्स। ड्रॉप कॉल्स का मतलब ये कि आपने कॉल किसी को मिलाई या कॉल लगी नहीं, या किसी और को लग गई, किसी और से बात होने लगी, तो ये सब ड्रॉप्ड कॉल्स में आता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना है ना, तो आपको क्या करना होगा कि बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ करना होगा, जिससे कि आपका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत बड़े एरिया में हो, आपके जितने भी वीक एरियाज़ हैं, जो वीक स्पॉट्स हैं, वो भी सारे कवर हो जाएं। और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाता है एरिया, और इससे क्या होता है ज़्यादा आप यूज़र को भी वहाँ पर ले सकते हैं अपने उसमें सिस्टम में। ठीक है,